मनीष कश्यप जेल में रह के भी बिहार सरकार गिराएगा 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 ये दावे के साथ जेल में रखे हाँ। कैसे गिरा देगा देखिए देखते रहिए। मनीष कश्यप के समर्थक तो आपने अनेकों देखे होंगे, पर मेरे साथ अभी जो समर्थक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो जज होते हैं उनको लेटर लिख दिया है। अब बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो निशान है, ये जो ठप्पा है, ये खून का है। इन्होंने अपने खून से इन्होंने यहाँ पे ठप्पा लगाया है और हजार लोगों को साइन करवा के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं उनको लेटर लिखा है। क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसा लेटर लिखने की? पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर पांडे है जी। देखिए सही बात यह है कि भावना होता है जी। हम लोग जुड़े हुए हैं उस बिहार के गरीब तबका से जी, जो धक्का खा रहा है जी। अगर पूरे देश का पर कैपिटा इनकम 135,000 है तो हमारे बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 30,000 से कम है। क्यों है? उसको कौन बदल सकता है? दिखाई दिया कि एक 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 सूरज दिखाई दिया जो इस मैदान में इंजीनियर होकर नौकरी कर सकता था, लेकिन उसको लात मार दिया। जिस तरह से हमारी भावना है उसी तरह से कोई लाल था बिहार का, जिसका बाप बॉर्डर पे सेवा कर रहा है, जिसका बाबा चीन के चाइना से लड़ा था, वह बेटा मैदान में कूद गया है और उसको जब दो दो प्रदेश की सरकारें शिकंजा कस रही हैं, जो दलाल अरबों अरबपति खरबपति लोग हैं इसी। अच्छा ईडी का रेट पड़ा था तो कितने घर पे पड़ा था? मुझे नहीं पता। नहीं पता नहीं। तो हम बता दे रहे हैं, उस डाटा उठा लीजिएगा। 8 खाली दिल्ली में घर है जी। जब ईडी का रेट पड़ा था जिस दिन लालू यादव जी का, तो 8 खाली दिल्ली में घर है, 8 घर पे बताया गया था। तो 8 घर दिल्ली में रखना लालू यादव जी का, एक घर आप देखेंगे अभी एक बताया गया था ना 150 करोड़ का, तो 8 घर का अंदाजा लगा लीजिए। को उसका पैसा है, उसी का पैसा है ना जो ट्रेन में धक्का खाते हुए आ रहा है, मजदूरों की पैसा है। हाँ, गरीबों का पैसा है ना, पेट काटा गया है ना, उसके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो हमारी कोई भावना नहीं है? बिहार के हर बेटे की भावना नहीं है? अगर यह नहीं करता है तो जानवर भी अपना पेट पाल के मर जाता है। एक इंसान के नाते अगर हम हैं, हमें कोई ईश्वर ने इंसान बनाया है, उस बिहार की धरती पर पैदा किया है, तो हमारी कुछ उसके प्रति ऋण होता है। तो उस धरती का ऋण है जो हम चुकाए हैं उसके लिए मांग के जी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, आप मनीष कश्यप के उनकी रिहाई के लिए लेटर लिखे हैं। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है मजदूरों का मदद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, पर सरकार ऐसा कह रही है कि वो भ्रामक वीडियो डालते हैं, दो राज्यों के बीच में द्वेष पैदा करते हैं। कोई द्वेष नहीं है, समझ रहे हैं ना? बिहार सरकार मौका खोज रही थी, मौका खोज रही थी कि कब थोड़ा सा चूक हो। अगर यह नहीं होता ना तो इसके बाद भी किसी न किसी मामले में डाला जाता। नहीं तो एक बात बताइए, यही पुलिस, बिहार की पुलिस यह कह रही है कि वह हैबिचुअल क्रिमिनल कहा जा रहा है ना, हैबिचुअल क्रिमिनल। तो बिहार के मंत्री का इंटरव्यू किए, लालू के बेटा का भी, उनके शिक्षा मंत्री का भी, और वही पुलिस क्यों नहीं पकड़ी तब? एक हैबिचुअल क्रिमिनल बिहार की पुलिस को अपने जिस तरह से थूका जाता है और अपने मुंह पे थूक लिया जाता है, तो बिहार की पुलिस अपने मुंह पे थूक ली कहते हुए शर्म नहीं आई? हमें मैंने दुख लग रहा है, पीड़ा लग रहा है कि वो क्या कह रही है कि हैबिचुअल ऑफेंडर क्रिमिनल बिहार के शिक्षा मंत्री और वन मंत्री का इंटरव्यू ले रहा है और बिहार पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बगल में खड़ा है, बिहार पुलिस तमाशा देख रही है। इससे भी पूरी देश को और दुनिया को हंसने का मौका अगर बिहार पुलिस दे रही है तो समझिए किस तरह का योजना होगा। तो टोटल योजना है, यह बनाया गया उस समय जब यह गए हमारे उप मुख्यमंत्री जी तमिलनाडु, केक काटे, वही रणनीति बनी कि यार वो लड़का जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से जमीन पे दौड़ रहा है, जिस तरह से उस वो समाज में बदलाव ला रहा है, अगर बिहार जाति से ऊपर उठ के सोचना शुरू कर दिया तो फिर हम लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएगी। देखिए मनीष कश्यप को लेकर तमाम लोग सामने आ रहे हैं, तरह तरह के बातें कर रहे हैं, कोई उनके विरोध में भी जा रहे हैं। और देखिए ऐसे में सुधीर पांडे जी जो हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी वायरल रहते हैं और खासकर मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसा क्या बात है मनीष कश्यप की आप लगातार आवाज़ उठाते हैं? कह तो रहा हूँ भाई, वो मनीष कश्यप की बात नहीं है, मनीष कश्यप व्यक्ति नहीं है, मनीष कश्यप विचारधारा है। वह विचारधारा है उन गरीब बिहार के करोड़ों करोड़ों गरीब लोग जिनके जिनके दर्द से वो अपने आप को जोड़ता है।
अगर एक बिहार का बेटा दिल्ली में भी कहीं पीड़ित है तो उसके लिए वो खड़ा हो जाता है, उसके जेब में अगर कुछ रुपया है तो उसको दे देता है, वहाँ बताता है कि इसकी क्या मजबूरी है। अगर कोई रात में ठिठुर के सो रहा है और वहाँ जाता है वो व्यक्ति, तो वह उसके भावनाओं से जुड़ जाता है, जो भी उसके पास संभव हो पाता है, नेता नहीं है लेकिन जो होता है वो उस समाहित हो जुड़ जाता है बिहार से। तो बिहार का दर्द ऊ का जाने पीर पराई जकरा कबू न फटी हुआ है। अब वो चम्मच चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले, चांदी के चम्मच और स्टील के चम्मच बहुत चर्चा में आजकल, कौन सा चम्मच मजबूत है अब पूछना है, बिहार जानता है। स्टील का कोई जवाब होता है? स्टील, अरे वो स्टील क्या, वो गजब है, वो एक अलग अलग धातु है। वो धातु देखे नहीं थे जब एयरपोर्ट पे दिखाई दिया था तो देखे नहीं थे, हाथ कड़ी थी लेकिन किस तरह से शेर की तरह से गर्द रहा था, वो स्पेशल धातु बना के आया है, वो हिस्ट्री ब्लड से आता है। सामने पड़ जाए ये लोग, 5 मिनट टिकेंगे? अरे भाई जो यही है ना लालू का बेटा, जो अपना शपथ पत्र जो शपथ ग्रहण हो रहा था तो शपथ पत्र नहीं पढ़ पाते वो, उनका सामना बात समझ रहे हैं ना, जो अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाते। और एक ये बिहार का लाल है, सन ऑफ बिहार दहाड़ता है तो पूरा देश देखता है, चाहे वो मोरबी कांड हो या नहीं है कि सिर्फ बिहार की, देश की कहीं भी समस्या रही हो एकदम उसको जड़ से पकड़ के और उसको जो हिलाता है, वो सब वो भावनाएं जोड़ती हैं मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो रिहाई के आने के बाद में 180 दिन के बाद सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप इतना औकात हो गया कि सरकार गिरा देंगे? हाँ, कैसे गिरेगा, कैसे गिरेगा? अच्छा एक बात बताइए, अभी उपेंद्र कुशवाहा क्या बोले हैं? क्या बोले कहें, आधा मेरे साथ हैं, भाजपा कह रही है आधा मेरे साथ हैं, तो आधा उधर जाओ आधा उधर जाओ बाकी मेरे साथ हो, तो बचा क्या? जहां सब लोग सोचना खत्म करते हैं वहां से मनीष कश्यप सोचना, वो जानता था कि ये सरकार आज नहीं कल गिरनी है। मनीष कश्यप जेल में रह के भी बिहार सरकार गिराएगा, ये मैं दावे के साथ जेल में रह के कैसे गिरा देगा, देखिए देखते रहिए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो ऊपर वाली शक्ति वो यहाँ से बोलती है, एक बार 24 घंटा में आप जो जिहवा पे आता है ना वो हमेशा सत्य होता है, वो होगा और बहुत जल्दी होगा। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को सीएम बना दीजिए बिहार सुधर जाएगा, सीएम बनने लायक है क्या? ये भी कहने वाली बात है, बताइए कैसे? समय बताओ, कह रहा हूँ वो डिटेल में मत जाइए, वो समय आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन यह होगा, यह डंके के चोट पे होगा, मतलब सीएम बनेंगे? हाँ बनेगा और बिहार का भविष्य बदलेगा। कब बनेंगे? कब बनेंगे? बहुत जल्दी भाई, सीएम है गारंटी के साथ लिख के ले लीजिए, भाई सीएम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल भविष्य का सीएम मनीष कश्यप है। हाँ अच्छा। जो गरीबों की भावनाएं हैं, बिहार तभी सुधरेगा जब जाति से ऊपर उठेगा, और इस काम को मनीष कश्यप जिस तरह से तोड़े हैं, उनका समर्थक कोई जाति विशेष का नहीं है, विरोधी है कहना नहीं चाहता, लेकिन उसमें भी दो हैं, एक कृष्णवंशी हैं एक कंसवंशी हैं, तो जो कृष्णवंशी हैं वो मनीष के साथ हैं, और जो कंसवंशी हैं जो जरासंध वाले, हम भी तो कृष्ण की पूजा करते हैं, सुबह सुबह कहते हैं देवकी सुत गोविंद बांस देवा जगत पते देहि में तनन कृष्ण त्वम अनुसरण गता, कहते हैं ना, हम भी करते हैं, लेकिन हम गाय रक्षक की करते हैं, गाय भक्षक के साथ नहीं है। तो जो कंस वाले हैं वो गाय भक्षक के साथ हैं और मनीष कश्यप के साथ गौ रक्षक हैं। तो आपने इतने प्यार से लेटर लिखा है, आपने शब्दों को प्रकट किया है मनीष कश्यप के लिए, सीजीआई को लेटर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज होते हैं उनको लेटर लिखा है, क्या लगता है आपका लेटर को कुछ फायदा होगा? भाई वो भी इंसान होता है, हम अपने तरफ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मुझे अधिकार है, और लेटर वो पढ़ा जाता है, इसलिए कि मैं उनके आवाज़ पे गया इस लेटर को लेकर, वहाँ कह दिया गया कि नहीं नहीं हाँ, लेकिन हम लोगों के वो दरवाजे पे जाओ, जब मैंने जो वहाँ सीजीआई के दरवाजे पे गए थे आंखों में आंसू जैसा था, वो भी रोने लगा, गेटकीपर भी बिहार का था वो भी रोने लगा, वो भी बिहार के थे, हाँ हाँ कट्टर समर्थक मनीष कश्यप का, क्या बात। तो जब इतना भावना है तो सीजीआई नहीं समझेंगे, वो कहा ना एक एक उसमें जज कहा ना हम भी बिहार से पलायित हैं, कहे थे ना, तो बात तो हमारी पहुंच रही है ना, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं का कदर तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।
और वह कहे भी कि अब एनएसए के, जैसे मान लीजिए वो पिटीशन दाखिल हुआ था सिर्फ क्लब करने के लिए, अब तक क्लबिंग के लिए, वो जज अपने तरफ से कहे कि आप एनएसए के अगेंस्ट में अपने एविडेंस लाइए ताकि पूछे भी अपने तरफ से। हमारा जो वकील दाखिल किए थे वो सिर्फ एक जगह क्लब करने के लिए, एनएसए हटाने के लिए नहीं मांगे थे, लेकिन जज ने अपना, सोचिए कोई शक्ति काम कर रही है, कोई इंटरनल शक्ति काम कर रही है, जज ने ये कहा कि नहीं एनएसए के अगेंस्ट में आप इसमें सुधार करिए, तो जड़ पकड़ लिया गया है, जड़ पकड़ लिया गया। अब एनएसए के अगेंस्ट में कौन कौन सा सबूत तमिलनाडु लाएगी, वो देखने वाली बात है। 28 तारीख को देना है उनको रिपोर्ट, पता चल जाएगा। 28 तारीख को सुनवाई होने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं तमिलनाडु पुलिस बताने वाली है कि मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगाया। बहरहाल अभी मेरे साथ सुधीर पांडे जी जो थे उन्होंने अपनी बात रखी मनीष कश्यप को लेकर, कैसा लगा कमेंट में जो लिखेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।